हे व्हाट्सअप गाइस गाइस आज थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है, उसके लिए सॉरी पहले मैं बोल देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में शायद नॉइस आ सकती है क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है। तो आप गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी गाइस आप जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन में या फिर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने, तो गाइस वो लोग वहाँ पर एक चीज़ जरूर चेक करते हैं, वो है सिबिल स्कोर। और गाइस वो लोग आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि अगर आपका जो सिबिल स्कोर है, यानी कि गाइस उसको क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, गाइज वो लोग बोलते हैं कि अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 यानी कि 750 से ऊपर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल भी आ सकती है। तो गाइज अगर मान लीजिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होगा, जैसे कि 760, 770, 800 के आसपास होगा, तो गाइज आपको बहुत ही आसानी से किसी बैंक से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से तुरंत लोन मिल जाएगा। तो गाइज आइए जानते हैं, अगर मान लीजिए आपने आज तक की कभी भी लोन लिया ही नहीं है, तो गाइज आप अपना सिबिल स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं 750 के ऊपर या फिर 800 के आसपास। ठीक है गाइज, होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एप्लीकेशन में या फिर कहीं पर भी पहले से एक बार लोन लिया हुआ है और उसे आपने अगर टाइम टू टाइम पे कर दिया है, बिना डेट मतलब नेट आपने नहीं किया है, तो गाइज आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 के ऊपर तो पहुंच ही जाता है, यानी कि 750 से ऊपर आराम से हो जाता है। लेकिन गाइस दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपने आज तक ही आपने कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, ना ही आपने कभी लोन लिया है और आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं। तो गाइस आप अपना सिबिल स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के लोन मिल जाए और आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाए। तो गाइस आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे गाइस मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको ऐसी ही बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर मान लीजिए आपने आज तक की कहीं पर भी आज तक की लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, ठीक है, और आपको अपना सिबिल स्कोर अच्छा करना है, तो गाइस इसकी मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक नहीं, दोनों ये मेथड ही है और दोनों आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आप इन दोनों मेथड से बिना एक रुपये का लोन लिए आसानी से अपना जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं, यानी कि 760 के ऊपर आराम से हो जाएगा और आपका धीरे धीरे 800 भी हो जाएगा। गाइस एकदम से आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज नहीं होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। गाइस सबसे पहला मेथड ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई सामान परचेस करने जा रहे हैं, लाइक जैसे कि आप मोबाइल, टीवी या फिर वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज, लैपटॉप या फिर कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं, खासकर गाइस अगर मान लीजिए आप एक मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं, तो गाइस वहां पर आपको बोलना क्या है, आपको वो जो मोबाइल है वो EMI पर लेना है। और गाइस आजकल आपको सिर्फ आधार कार्ड पर और पैन कार्ड पर आसानी से EMI पर मोबाइल मिल जाते हैं। और गाइस शायद कहीं पर आपसे जो आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ले, लेकिन अगर जानने वाली दुकान होगी तो आपसे फोटोकॉपी भी नहीं लेगा। गाइस जब मैंने अपना मोबाइल EMI पर लिया था तो मेरे से खाली पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया था बस, और गाइस मेरे को मोबाइल मिल गया था। और वहां पर गाइस आपसे ना ही कोई चेकबुक लेते हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ लेते हैं, यानी कि आपकी पासबुक पर सैलरी आ रही कि नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खाली पैन कार्ड और आधार कार्ड से EMI पर मोबाइल मिल जाता है। और गाइस अगर मान लीजिए आपने EMI पर मोबाइल लिया 6 महीने के लिए और आपने सारी EMI टाइम टू टाइम पे कर दी, तो गाइस होगा क्या कि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो आपका लिंक ही है जाहिर सी बात है, ठीक है, तो आपके जो पैन कार्ड पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस आपका जो सिबिल स्कोर है वो आसानी से सिर्फ एक बार मोबाइल परचेस करने पर EMI पर और उसे टाइम टू टाइम पे करने पर 775 यानी कि 775 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि गाइस मेरा हो गया था, ठीक है, बस आपको टाइम टू टाइम EMI पे करनी है, नेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने नेट कर दिया तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो प्लस की जगह माइनस में चला जाएगा, यानी कि 750 से नीचे, इसीलिए गाइस आपको नेट तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस इससे होगा क्या कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस ऐसे ही आप मान लीजिए कोई और सामान परचेस करने जा रहे हैं तो वहां पर भी गाइस आप जाइए और EMI पर ले लीजिए। और गाइस अगर मान लीजिए आपने 3-4 बार ऐसा कर दिया तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के पार हो जाएगा, ठीक है, और आपको कहीं पर भी आसानी से बिना कोई कम कंडीशन के, यानी कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट देकर भी आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो गाइस पहला मेथड तो ये है। हालांकि गाइस अगर मान लीजिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर है तब भी आपको आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार EMI पर मोबाइल ले लिया तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो गाइस दूसरा मेथड पहले से थोड़ा सा कठिन है, कठिन का मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है। गाइस दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने बैंक में जाना, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपकी जो पासबुक पर हर मंथ में कुछ ना कुछ सैलरी आती हो, चाहे 5,000-10,000 ही आती हो, लेकिन आती हो। गाइस ये कंडीशन है, ठीक है, अगर आती होगी, अगर नहीं आती तो आप पहला मेथड ही ट्राई कर लेना।
और गाइज अगर आती है तो फिर गाइज आपको अपने बैंक में जाना है और वहाँ से गाइज उनसे बोलना कि भाई मेरे को सबसे छोटा वाला यानी कि 15,000 वाला क्रेडिट कार्ड इशू कर दो। तो गाइज वो आसानी से इशू कर देंगे अगर आपके पासबुक पर हर मंथ में कुछ ना कुछ सैलरी आती है तो वो 15,000 का जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू कर देंगे। ठीक है, तो गाइज आपको वो इशू करा लेना है। इसके बाद गाइज अगर मान लीजिए आपको शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको उसी क्रेडिट कार्ड से करनी है और उसका जो बिल है वो टाइम टू टाइम पे कर देना है। गाइज अगर मान लीजिए आपने 2-3 बार भी ऐसा कर दिया तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 780 यानी कि 780 के आसपास पहुंच जाएगा आसानी से और आपको कहीं पर भी बिना कोई ज़्यादा फिजिकल डॉक्यूमेंट दिए आसानी से आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो गाइज ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हैं वो भी बिना कोई लोन लिए। तो गाइज मेरे ख्याल से ये दोनों बहुत ही बढ़िया मेथड है और आप इन दोनों से जो भी आपको सही लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट में कि भाई हम अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और हाँ गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइज एक बात और कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाओ ज्वाइन कर लो। गाइज कोई ऑफर होगा या फिर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको वहां पर दे दूंगा तो अभी जाओ ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज मिलते हैं एक और ऐसी कमांड की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।